सच में पिंक एग से क्या पिंक के अंदर फालतू फॉर 24 आवर्स। सो बेसिकली चैलेंज तो कल होगा बट प्रिपरेशन मुझे आज करने लाइक मुझे अभी शॉपिंग पे जाना है जहाँ से मैं पिंक फूड आइटम्स खरीदी। सो चलिए चलते हैं। मैं ये ले रही हूँ वाटर, इसका क्रीम सिर्फ पिंक है ना, तो चल जाएगा ये, इसे ले लेते हैं। मैं सोच रही थी कि केक भी ले लूं बट केक का पैकेट सिर्फ पिंक है और इसके अंदर तो जो नॉर्मल रहता है वही होगा, तो इसे नहीं लेना है मैं क्योंकि चीटिंग हो जाएगी। ये ले सकते हैं। मुझे लगा था सच में पिंक एग से क्या, फिर पता चला सिर्फ पिंक रैप है उसका। कैसे पागलों की तरह दौड़ रही थी ना मैं, वो मैंने इतने कंफर्टेबल पैंट्स ही पहने हैं। सो आप शीन से ये पैंट्स ले सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग चुकंदर ले रहे हैं यहाँ पे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, और आज है जो मेन चैलेंज डे। तो देख रहे हो आप, बारिश हो रही है इतनी, और मुझे तो मन कर रहा है कि मैं चाय और जो पकौड़े वगैरह खाऊं, बट अफसोस मुझे आज ही ये चैलेंज करना था। सो अभी हमने सोचा है कि ब्रेकफास्ट तो होगा, उससे पहले मैं चाय ज़रूरी होता है। सो मैं आज कश्मीरी चाय पीने वाली हूँ जो पिंक कलर की होती है, तो कश्मीरी चाय बनाएगी मेरी दीदी। तो चलो देखते हैं। गाइस आपको पता है ये जो कश्मीरी चाय होती है ना, इसके लिए अलग चाय पत्ती आती है, तो हमारे पास कश्मीरी चाय पत्ती तो नहीं थी। सो हमने यूट्यूब पे देखा था कि उन्होंने लिप्टन टी से बनाया था, लिप्टन ग्रीन टी से। सो हम भी वही कर रहे थे बट हमने बहुत ट्राई किया, एक दो बार ट्राई किया तो नहीं बना। ये तीसरी बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है अच्छा बनेगा बट अब क्या कर सकते हैं हम लोग। बॉयल होने के बाद हमें एक कंटेनर में से निकाल लेना होता है और फिर हमने अलग कर लिया है, और ये थोड़ा सा पिंक कलर जब उसमें मिल्क डालने के बाद हो रहा है, उसके बाद वाली क्लिप है। तो अब बस उसे दी मेरी गरम करके इसमें डाल रही है, तो कलर तो काफ़ी पिंक आ गया है, बहुत क्यूट कलर है। पता है क्या ये लग रहा है, इतना फालतू कैसे दिखेगा ये, ये देखो ये पिंक दिखने को तो दिख रहा है बट क्या वाहियात टेस्ट है इसकी गाइस। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे इतनी घटिया वाहियात टेस्ट है, लग रहा है मैं बेकिंग सोडा खा रही थी। तो चाय तो नहीं हुआ, मैं क्या खाऊंगी बताओ। तो अभी चाय तो मिला नहीं इसलिए मैं ये जूस पीने वाली हूँ। ये गुआवा और एलोवेरा वाला जूस है एलो फ्रूट की तरफ से, तो मैं ऐसे ही पीऊंगी क्योंकि बहुत कुछ चाहिए होता है मुझे सुबह सुबह। टेस्टी है यार ये, वो कश्मीरी चाय ना हमने पहली बार बनाई थी इसलिए और गलत हो गया था, एक दो बार हम ट्राई करते तो शायद हो जाता, बट अभी इसे पी के ना दिल को संतुष्टि मिल रही है कि हाँ पिंक में भी कुछ अच्छा मिलता है। दो ऑप्शन है, एक तो ये पिंक कॉर्नफ्लेक्स और दूसरा है कस्टर्ड, तो कस्टर्ड मेरा यहाँ पे है। तो ये हमने दोनों चीज कल ही लाए थे, तो मैं सोच रही हूँ अभी कॉर्नफ्लेक्स की जगह कस्टर्ड खा लूँ क्योंकि मुझे कस्टर्ड खाए बहुत दिन हो गए। सो बनाते हैं कस्टर्ड। मेरी दीदी मुझे बहुत हेल्प कर रही है। मैंने भी थोड़ा बहुत हेल्प किया है। अच्छा? हाँ थोड़ा सा, अच्छा? थोड़ा सा। मैं आपको दिखाती हूँ क्या कैसे क्या हो रहा है। हाँ क्या बना रही हो दीदी? कस्टर्ड। ये देखिए हमारा पिंक इंग्रेडिएंट। हाय पिंक करने के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो
कस्टर्ड में ये फ्रूट्स डाले और बस इसे फ्रीज में रखना और फिर रेडी। Two hours later. चाय से तो मेरा मूड खराब हो गया था तो मैंने उस टाइम जूस पिया था और मैं अभी कस्टर्ड खा के अपना मतलब पेट थोड़ी देर के लिए भरने में चाहती हूँ। सो गाइस मैं पढ़ के इस टाइम थोड़ा थक गई हूँ। मैं तो मनाऊंगी कि रोज बारिश हो और रोज छुट्टी हो। तो अभी मुझे भूख लग रही है तो मैंने ये क्या है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड वेफर जो कि पिंक कलर का है सो मैं इसे खाऊंगी। वो खाते हैं उसके बाद फिर पढ़ेंगे। गाइस पता है आपको मुझे एक ही चीज आती है वो है आटा गूंदना। मतलब मैं आटा गूंदने में ना स्पेशलिस्ट हूँ। ऐसे तो मुझे चाय मैगी ये सब छोटी छोटी चीजें आती हैं पर आटा गूंदना में मैं स्पेशलिस्ट हूँ। कुछ ग्रेटेड चुकंदर है तो हम लोग इसमें मिक्स करेंगे ताकि वो जो पिंक पिंक चाहिए हमें वो आ जाए उनकी पिंकी डो। तो मेरी मम्मी ने मुझे ये कटर दिया है मैं इसे शेप कट करूंगी इसमें से और फिर डिजाइन वाला खाऊंगी। ओके वाओ। वाओ वाओ मम्मी ये भी लड़की वाओ कितना क्यूट है यार। वाओ ये सही में क्यूट लग रहा है कसम मस्त है। गाइज इतना क्यूट मम्मी पीछे कचौड़ी बना रही है इतना क्यूट लग रहा है यार वो पिंक पिंक मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है वो। सो आपको शायद दिख रहा होगा। वाओ कलर देखो यार इसका कितना क्यूट सा है। अरे यार बहुत क्यूट लग रहा है बहुत क्यूट दिख रहा है बहुत क्यूट होने वाला है और टेस्टी होगा क्योंकि उसमें जो क्या इंग्रेडिएंट होते हैं नमक वगैरह अजवाइन वगैरह डाल के रखती हैं। बट मुझे मन कर रहा है कि मुझे कहीं से कुछ थोड़ा अचार मिल जाता बट अफसोस अचार पिंक नहीं होता है तो मुझे सूखा ही खाना पड़ेगा। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और क्योंकि ये देखने में इतना क्यूट लग रहा है और टेस्टी स्मेल भी आ रही है तो टेस्ट करते हैं कैसा है। अच्छा टेस्ट है। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी ना मुझे कुछ भूख टाइप की लग रही है और मुझे कुछ टटर पटर इधर उधर का खाने का मन कर रहा है। तो घर में तो अब कुछ है नहीं पिंक सब येलो ग्रीन है तो मैं और मेरी दीदी अभी जा रहे हैं बाहर देखते हैं क्या पिंक कलर का मिलता है और हम लोग वहां पे कुछ खाएंगे। तो चलो चलते हैं कुछ खाने। पिंक पिंक फालूदा हम लोग खाने वाले हैं। मैं यहाँ पे आई तो सबसे पहले मैंने पूछा कि भैया फालूदा है लेकिन पिंक कलर का फालूदा है तो उन्होंने बोला हाँ है तो अब मैं पिंक फालूदा खाने वाली हूँ। दीदी कैसा लग रहा है पिंक पिंक फालूदा खा के? अरे पीछे देखो जेसी जी। हाय गाइस फालूदा खाने हम लोग गए थे और देखो हमारे ही फालूदा बन गया। अभी भी टिप टिप बरसा पानी हो रहा है क्योंकि यहाँ की बारिश बहुत बारिश हो रही है देखो और बारिश तेज होती जा रही है। तो हमने एक और चीज लाया है रात के लिए कुछ खाना होगा तो रात के लिए मैंने नूडल्स लाया है। मम्मी ने कहा था कि उसे चुकंदर वगैरह मिला के कुछ पिंक पिंक नूडल्स बनने वाला है तो ये हो जाएगा। और फालूदा के चक्कर में हम लोग रुक गए थे इतनी देर और अभी इतनी लेट हो गई है तो अभी तो मुझे भूख नहीं लगी है फालूदा पेट में है मेरे बट एक दो घंटे बाद डिनर होगा तो नूडल वाला डिनर होगा तो उस टाइम मिलती हूँ आपसे। अब मेरी मम्मी बना रही है वाओ मुझे लग रहा है ये टेस्टी होगा बट कलर पे डिपेंड करता है। ये यहाँ पे है हमारा गाजर ये क्या है शिमला मिर्च एंड ये क्या था प्याज है। मम्मी इतने गुस्से में क्यों बना रही है पिंक को खाना है। इतनी मेहनत से तो ये नूडल्स बना रही मेरी मम्मी बट अगर पिंक कलर नहीं आया तो मैं नहीं खा सकती हूँ मम्मा।
अरे वाह पिंक कलर आ गया, पिंक कलर आ गया, देखो देखो देखो, वाओ मम्मी आपके हाथों में जादू है। मैंने नहीं सोचा था मेरी मम्मी शेफ है, आपको मैं मास्टर शेफ का अवार्ड दूंगी मेरी मम्मी। तो उन्होंने पिंक पिंक मेरा नूडल्स बना दिया और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसका टेस्ट कैसा होगा। यार एकदम पिंक सा हो गया है वो, वाओ। मम्मी क्या आप ये रेसिपी शेयर करना चाहेंगे? वो देखो वो लड़की सूखा नूडल्स खा रही है, पागल लड़की। पिंक पिंक नूडल्स एकदम तैयार है और मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। ओ मम्मी बहुत टेस्टी है, ग्रीन वाला निकालना पड़ेगा। ओ शिट मम्मा, शिमला मिर्च निकाल दो। शिमला मिर्च पहले क्यों नहीं बताए? नहीं तो शिमला मिर्च मैं नहीं खा सकती हूँ, वो ग्रीन है। शिट यार मुझे शिमला मिर्च पसंद है यार। गाइज ये लड़की मुझे शिमला मिर्च नहीं खाने दे रही है, मैं एकदम वियर्ड हूँ। मुझे करेला पसंद है, शिमला मिर्च पसंद है, मैं यही सब खाती हूँ। कद्दू? हाँ कद्दू नहीं पसंद है। गाइज मेरे सारे शिमला मिर्च निकल गए, अब मुझे सिर्फ पिंक नूडल्स मिलेगा। मम्मी जल्दी आओ, जल्दी लेके आओ, मुझे भूख लगी है। मेरी मम्मी अब लेके आएगी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कहीं बैठने का जगह मिल जाए यार। गाइज ये रहा मेरा पिंक नूडल्स और मुझे इतनी जोर से भूख लगी और ये इतना मतलब टेस्टी स्मेल आ रहा है इसके अंदर से। मम्मी बहुत टेस्टी है, मतलब सच में गाइज बहुत टेस्टी है, ये बहुत ज्यादा टेस्टी दिख रहा है मुझे। सो गाइज अब चलो इसे टेस्ट करते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी है, मतलब जो भी मैंने सुबह से खाया, एक तो मैं मीठा खा के पागल हो गई हूँ, ऊपर से ये इतना ज्यादा टेस्टी दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, लग रहा है बहुत टेस्टी है ये। अच्छा थोड़ा सा इतना ये आपकी रेसिपी मैं सबको वायरल करूंगी, कैसा है? बहुत टेस्टी है। एक बार और खिला देता, बहुत टेस्टी है। देखो मेरी मम्मी को भी लाना चाहिए, इतनी टेस्टी है। अब मैं खाऊंगी सारा क्योंकि सिर्फ मुझे पिंक खाने पे जिंदा रहना है। गाइज मुझे ये शिमला मिर्च मिल गया, मुझे खाने का मन कर रहा है। शिमला मिर्च मेरी मम्मी खा गई, मुझे खाना था शिमला मिर्च। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके प्लीज बता देना, और मुझे ये वीडियो करने में बहुत 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 मजा आया, लाइक सीरियसली बहुत मजा आया। आपके पास और भी ऐसी वीडियो आइडियाज सजेशंस होंगे तो प्लीज कमेंट करके बता देना, और प्लीज मेरे चैनल पे अगर आप न्यू आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर मैं नहीं तो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज। गाइज अभी रात हो गए लेकिन 12 नहीं बज रहे हैं, वही डे है, बट मैं ये जो पिंक वाली वीडियो है आज की, सो मैं इसे ही एडिट कर रही थी और मुझे थोड़ी सी कुछ चटर पटर चाहिए था, सो मैंने सोचा चलो पिंक ही खा लेते हैं और वीडियो में दिखा देते हैं। तो मैं ये कर रही हूँ मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पी रही हूँ, तो टेस्टी है। तो पिंक चैलेंज अभी भी चल रहा है क्योंकि अभी 12 नहीं बजे हैं। सो अभी बाय गाइज, और मैं एडिटिंग करने जा रही हूँ इस वीडियो की, बाय गाइज।